सुस्वागतम, मैं हूँ लता पांडे, संस्कृत शिक्षिका, शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। बच्चों, ये ऑनलाइन क्लासेस में आज मैं आपको चैप्टर 13 गणना कौशलम की सेस एक्सरसाइज सेस अभ्यास कराने जा रही हूँ। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज नंबर 3 तक सॉल्व करा दिया था, आज मैं एक्सरसाइज नंबर 4 से स्टार्ट कर रही हूँ। आप सभी अपनी बुक ओपन करें और पेज नंबर 84 पर देखें। पेज नंबर 84, ठीक है, इसमें आप एक्सरसाइज नंबर 4 सॉल्व करेंगे। देखिए क्या दिया हुआ है, शरीर का चित्र देखकर वाक्यों को उचित संख्या शब्द से पूरा कीजिए। जैसे कि नंबर 1 पे दिया है मम शरीरे, तो मस्तकम अस्ति यानी एक मस्तक होता है, तो आप लिखेंगे मम शरीरे, रिक्त स्थान में आएगा एकम मस्तकम अस्ति। ठीक है, इसी का नंबर 2 देखिए, एक्सरसाइज 4 का नंबर 2 है मम शरीरे, यहां आएगा एका ग्रीवा, ग्रीवा मीन्स गर्दन, एका ग्रीवा अस्ति, मम शरीरे एका ग्रीवा अस्ति। फिर देखिए नंबर 3, मम शरीरे द्वे नेत्रे अस्ति, यहां 2 आएगा, ठीक है, यानी द्वे नेत्रे स्तः, द्विवचन में क्रिया आएगी स्तः। नंबर 4 है मम शरीरे गोकर्णो स्तः, मेरे शरीर में 2 कान है, मम शरीरे द्वौ कर्णौ स्तः, मेरे शरीर में 2 कान है। नेक्स्ट है मम शरीरे एकम उदरम अस्ति, मम शरीरे, यहां पर रिक्त स्थान में आएगा एकम उदरम अस्ति। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए नंबर 6, एक्सरसाइज नंबर 4 का 6 नंबर, इसमें है मम मुखे एका जीवा अस्ति, मम मुखे, रिक्त स्थान में आप लिखेंगे एका जिह्वा, जिह्वा यानी जीव, एका जिह्वा अस्ति। फिर है नंबर 7 लास्ट, द्वौ हस्तौ यानी 2 हाथ, हस्तौ द्विवचन है बच्चों, 2 पादौ यानी 2 पैर, मिलित्वा मिलकर, मिलित्वा चत्वारः भवन्ति, 4 हो जाते हैं, चत्वारः भवन्ति। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों ये एक्सरसाइज नंबर 4 कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं एक्सरसाइज नंबर 5 पर, मंजूषा में दिए गए उचित संख्या शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। मंजूषा यानी बॉक्स, बॉक्स में संख्या शब्द दिए हुए हैं, उसे आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो पहला है, ये है एक्सरसाइज नंबर 5, पंचासन, 5 थे, यहां पर आप लिखेंगे पंच आसन। नेक्स्ट है हस्तयो 10 अंगुलिया भवन्ति, हस्तयो हो यानी दोनों हाथों में, हस्तयो द्विवचन है, तो आप यहां पर लिखेंगे 10 अंगुलिया
नेक्स्ट है सप्ताहे सप्त दिनानि भवन्ति। सप्ताहे सप्त दिनानि भवन्ति। ठीक है, सप्ताह लिखेंगे रिक्त स्थान में। नेक्स्ट है धरायाम पंच महासागरा भवन्ति। धरायाम पंच महासागरा भवन्ति। फिर है वेदा चत्वारा सन्ति। नंबर फाइव वेदा। रिक्त स्थान में आप लिखेंगे चत्वारा सन्ति। नंबर सिक्स है वर्षे द्वादश मासा, यानी साल में बारह महीने होते हैं, तो आप लिखेंगे द्वादश में बारह। द्वादश मासा, द्वादश मासा, ये कंप्लीट हो गया। फिर देखिए सेवन वर्षे षट ऋतुवः भवन्ति। सेवन नंबर है षटवीं है वर्षे षट ऋतुवः, यानी छह ऋतुएं होती है साल में, भवन्ति। ओके बच्चों, अब इसके बाद नंबर एट देखें। नंबर एट है हस्ते पंच अंगुलियां सन्ति। हस्ते रिक्त स्थान में आप लिखेंगे पंच, यानी हाथ में पांच उंगलियां होती हैं। अंगुलियां का सन्ति, ठीक है। इसी का नंबर नाइन देखें। धृतराष्ट्र से शतम् पुत्रः आसन्। धृतराष्ट्र से शतम् पुत्राः आसन्, यानी धृतराष्ट्र के सौ पुत्र थे। नेक्स्ट है परंतु दशरथ से चत्वारा पुत्र आसन। परंतु दशरथ से चत्वारा पुत्र आसन। पुत्राः आसन। नेक्स्ट है इलेवन नंबर अश्व से एकम पुच्छम भवति। घोड़े के एक पूंछ होती है। अश्व से एकम पुच्छम इस पूंछ भवति। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, इलेवन ट्वेल्व नंबर है अश्व से चत्वारा पादाः भवन्ति। अश्व से यानी घोड़े के चार पैर होते हैं। अश्व से चत्वारा पादाः भवन्ति। थर्टीन नंबर है धरायां सप्त महाद्वीपा भवन्ति। पृथ्वी पर सात महाद्वीप। तनु सीनियर फ्रॉम नागरी फोर्स। सप्त मीन्स कम टू द रिसेप्शन। सप्त फिर से देखें। थर्टीन नंबर धरायां सप्त महाद्वीपाः भवन्ति। महाद्वीपाः भवन्ति, ठीक है बच्चों। ये थर्टीन नंबर है धरायां सप्त महाद्वीपाः भवन्ति। अब आते हैं फोर्टीन नंबर पर शिवस्य त्रीणि नेत्राणि भवन्ति। शिव के तीन नेत्र होते हैं। शिवस्य त्रीणि मीन्स तीन। शिवस्य त्रीणि नेत्राणि भवन्ति।
सिद्धस्य ते एकानि भवन्ति। तो इस तरह से बच्चों रिक्त स्थान में संख्या शब्द लिखे गए हैं। ये एक्सरसाइज नंबर 5 भी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बच्चों एक्सरसाइज नंबर 6 पर। ये एक अनुच्छेद दिया हुआ है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग मुझे उत्तर देना है। जैसे कि पहला है, एक शब्द में उत्तर दीजिए, तो आप लिखेंगे उद्याने कति लताः सन्ति, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा चतुश्रः। नेक्स्ट है, पादपेः कस्य चत्वारि पुष्पाणि सन्ति, तो आप करेक्ट ऑप्शन में टिक करें पाटलस्य। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए उद्यानस्य मध्ये किम् अस्ति, तो आपका उत्तर होगा उद्यानस्य मध्ये एकः तडागः अस्ति। अब भाषिक कार्य देखिए, त्रीणी संख्या का लिंग क्या है, तो आप टिक करें नपुंसक लिंग, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों इस एक्सरसाइज के साथ ही आज आपका ये चैप्टर 13 गणना कौशलम कंप्लीट हो गया है। आप सभी अपना कार्य समय से पूर्ण करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय।